हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रोपोसो एप्लीकेशन पे फॉलोअर और व्यूज कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि गाइस, आप सभी को तो पता है कि टिकटॉक इंडिया में पूरी तरह से बैन हो चुका है, जिसकी वजह से जो टिकटॉक के यूजर थे, क्रिएटर थे, वो सभी आ चुके हैं रोपोसो एप्लीकेशन पे। इसी वजह से रोपोसो एप्लीकेशन पे भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको रोपोसो एप्लीकेशन के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप इनेबल करके, डिसेबल करके अपने फॉलोअर को, अपने व्यूज को बढ़ा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसे हैशटैग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको आप अपने वीडियोस पे भी यूज कर सकते हो और अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप रोपोसो एप्लीकेशन पे वीडियो बनाते हो, अगर आप एक क्रिएटर हो। तो गाइस, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरजी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन रिलेटेड, नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। तो गाइस, चलिए फोन की होम स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, हम आ गए फोन की होम स्क्रीन पे। चलिए, अब मैं आपको रोपोसो एप्लीकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको चार सेटिंग मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, जो पहला सेटिंग है वो है ब्लॉक लिस्ट। जिसको आप ब्लॉक करोगे वो बंदा यहाँ पर शो होगा, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसके बाद ये जो तीन सेटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो दूसरे नंबर पे सेटिंग है, हाइड माई अकाउंट फ्रॉम सर्च इंजन। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में ये जो सेटिंग है ये इनेबल होता है, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है, उनके जो वीडियो है, वो सर्च में नहीं आते हैं। तो गाइस, अगर आपके अकाउंट में ये ऑप्शन इनेबल है तो इसको जल्दी से डिसेबल कर दीजिए, नहीं तो जो आपका अकाउंट है वो सर्च में आएगा ही नहीं। अब दोस्तों, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें एक सेटिंग मिलता है, हाइड डाउनलोड बटन फ्रॉम माई स्टोरेज। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट में ये जो सेटिंग है इनेबल होता है, जिसकी वजह से आपके वीडियोस को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जब कोई बंदा आपके वीडियो को डाउनलोड नहीं कर पाएगा तो वो आपके वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर नहीं कर पाएगा, फेसबुक पे शेयर नहीं कर पाएगा, इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर पाएगा, किसी भी सोशल मीडिया पे आपके वीडियोस को वो शेयर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो वीडियो है वो वायरल नहीं होगा। क्योंकि गाइस, आपने देखा होगा कि जो वीडियोज़ होते हैं वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और उसके बाद व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी अकाउंट में ये तीसरा ऑप्शन इनेबल है तो इसको डिसेबल कर दीजिए। गाइस, जब आप इसको डिसेबल कर दोगे तो कोई भी बंदा आपके वीडियो को डाउनलोड कर सकता है और उसको शेयर कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे चौथे नंबर पे हमें एक सेटिंग मिलता है, डोंट अलाउ मिक्स एंड मैच ऑन माय वीडियो। गाइस, अगर आपके अकाउंट में ये सेटिंग इनेबल है तो इसको डिसेबल कर दीजिए। अगर आप इसको इनेबल रखोगे तो कोई भी बंदा आपके साथ कोलैब नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे वीडियोस वायरल नहीं होते हैं, लेकिन कोई बंदा अगर हमारे साथ कोलैब कर लेता है, अगर हमारे वीडियो के साथ कोलैब बना लेता है, तो दोस्तों वो बंदा वायरल हो जाता है और उसके साथ में हम भी वायरल हो जाते हैं। तो गाइस, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। और जब कोई बंदा आपके साथ कोलैब करेगा, अगर उसके अच्छे फॉलोअर होंगे, तो गाइस जब वो बंदा वायरल होगा तो उसके साथ में आपका वीडियो भी वायरल हो जाएगा। तो गाइस, जल्दी से इन तीनों सेटिंग को डिसेबल कर लीजिए। अब हम बैक आते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। गाइस, आपको रोपोसो एप्लीकेशन डेली ओपन करना है और गाइस यहां पे स्क्रॉल करके आपको कुछ वीडियोस को देखना है। आपको ध्यान देना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, कौन सा डायलॉग लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि गाइस, जो टिकटॉक था, टिकटॉक पे भी यही चीजें होती थी। लोग क्या करते थे कि दूसरे के डायलॉग को कॉपी करते थे, गाने को कॉपी करते थे अपने वीडियोस पे और वायरल हो जाते थे। तो आपको भी ये चीजें ध्यान देना है कि कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है, कौन सा म्यूजिक, कौन सा गाना सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, उस गाने को, उस डायलॉग को आपको अपने वीडियो पे यूज करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वीडियो पे 11.4 मिलियन व्यूज है, यानी गाइज 1,14,00,000 व्यूज आ चुके हैं इस वीडियो पे। तो गाइज, कुछ तो बात होगा इसके डायलॉग में जो इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आपको सिंपली इसके डायलॉग को अपने वीडियोज पे यूज करना है। यूज करने के लिए आपको सिंपली कोलैब पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ यूज म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे यूज म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और गाइज, आपका जो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा और आप इस पे वीडियो बना के वायरल हो सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी के भी म्यूजिक को कॉपी करके अपने वीडियो पे अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो गाइज, ये काफी अच्छा ट्रिक है वायरल होने का। अब गाइज, जो अगला ट्रिक है वो है हैशटैग। गाइस, काफ़ी सारे लोग वीडियो पे हैशटैग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो वायरल होती हैं।
जैसे यहाँ पे हम कमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने अपने वीडियो पे काफ़ी सारा हैशटैग यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो इनका वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। तो दोस्तों इस तरह आपको भी अपने वीडियो पे हैशटैग यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप हैशटैग यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ और वीडियो देख लेते हैं, हैशटैग देख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पे हम इस वीडियो का हैशटैग देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ भी काफ़ी सारे हैशटैग यूज़ किए गए हैं। इस तरह आपको हैशटैग को यूज़ करना है। तो चलिए हम वीडियो को अपलोड करते हैं और हैशटैग को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियो शूट कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन गाइज मैंने वीडियो पहले से बनाया है। हम यहाँ एल्बम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाला वीडियो सेलेक्ट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और गाइज हमारा फाइनल स्टेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पे टाइटल डालना है। टाइटल में आपको वीडियो से रिलेटेड चीज़ें डालनी है, जैसे जिस टॉपिक पे आपका वीडियो हो आपको यहाँ पे टाइटल डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने रोपोसो एप्लीकेशन के बारे में बताया है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाउ टू यूज रोपोसो ऐप। तो गाइज यहाँ पे हमने टाइटल डाल दिया है हाउ टू यूज रोपोसो ऐप। अब गाइज यहाँ पे हमें काफ़ी सारे हैशटैग यूज़ करने हैं, तो आपको यहाँ इंटर प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ हैशटैग पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हैज लग चुका है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वायरल हैशटैग यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं फॉर यू। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ हैशटैग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं रोपोसो वायरल वीडियो। तो गाइज यहाँ पे हम फिर से हैशटैग यूज करते हैं और यहाँ पे वायरल वीडियो डाल देते हैं। अब यहाँ फिर से हम हैशटैग क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं ट्रेंडिंग वीडियो। अब फिर से यहाँ हैशटैग पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं रोपोसो ट्रेंडिंग वीडियो। तो दोस्तों इस तरह आपको काफी सारे वायरल हैशटैग यूज करने हैं। और गाइस जब आप वायरल हैशटैग को यूज करोगे तो आपका जो वीडियो है वो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम वायरल हैशटैग कैसे पता करें। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर वायरल हैशटैग देख सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, जो भी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है उसके कमेंट बॉक्स में जाके आपको वायरल हैशटैग देखना है और उसको कॉपी करके अपने वीडियो में डालना है। गैस जब आप वायरल हैशटैग को अपने वीडियो में यूज़ करोगे तो गैस आपका जो वीडियो है वो 99% वायरल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। तो गैस हमारा जो वीडियो है वो पोस्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गैस इस तरह आप रोपोसो एप्लीकेशन में फॉलोअर को बढ़ा सकते हो और अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो यार। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड नए नए जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।